हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रकाश वढवाना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 7th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, एंड द नेम ऑफ द यूनिट 1 इज एक्सप्लोरिंग सिंबल्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग एक्टिविटी 1, लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइटल एक्सप्लोरिंग सिंबल्स। सो एक्सप्लोरिंग मीन्स वॉट? सो एक्सप्लोरिंग मीन्स एनालाइज, सर्च एंड डिस्कवर। किसी भी चीज़ को सर्च करना, डिस्कवर करना, ढूंढना। लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वी हैव टू एक्सप्लोर न्यू वेज टू मार्केट अवर प्रोडक्ट्स। ओके, सो अगर हमको हमारी प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़ अगर हमको बेचनी है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग। सो हमको हमारी प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना है तो हमको एक नया वेज क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा। ओके, सो एक्सप्लोर मीन्स डिस्कवर करना, सर्च करना, ढूंढना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सिंबल्स। सो सिंबल मीन्स व्हाट? सिंबल मीन्स अ साइन, शेप और ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। एक ऐसी साइन, शेप और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका यूज कोई भी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। अ हार्ट शेप इज द सिंबल ऑफ लव। ओके, सो हियर हार्ट शेप इज द सिंबल किसका? लव का। तो लव का सिंबल क्या है? हार्ट शेप। ओके, लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। द व्हील इन द इंडियन फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ पीस। तो जो इंडियन फ्लैग के अंदर जो व्हील है वो किसका सिंबल है? पीस। पीस मीन्स शांति का। ओके, अनदर एग्जांपल। द सिंबल फॉर ऑक्सीजन इज ओ। ओके, तो ओ मीन्स किसका सिंबल है? वो ऑक्सीजन का। वन मोर एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल। वाटर इज अ सिंबल ऑफ लाइफ। ओके, तो वाटर किसका सिंबल है? लाइफ का। पानी नहीं पिएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर जाएंगे हम। तो अगर हमको जिंदा रहना है तो क्या पीना पड़ेगा? वाटर। दैट इज व्हाई वाटर इज अ सिंबल ऑफ लाइफ। ओके, सो यहाँ पे हमने दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इन 1861। ओके, सो वेयर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न? इन कलकत्ता। इन एंड व्हेन? इन 1861। ओके, सो बॉर्न मीन्स बर्थ। तो रविंद्रनाथ टैगोर का बॉर्न कहाँ पे हुआ था, बर्थ कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कौन से ईयर में? 1861। ओके, नेक्स्ट, ही इज द पोएट हु रॉट इंडियाज नेशनल एंथम। ही मीन्स कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। सो हु रॉट इंडियाज नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, लेट्स सी इन द पिक्चर। हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मन अधिनायक जय है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो हु रॉट अवर नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर, एंड रविंद्रनाथ टैगोर इज अ पोएट। ओके, नेक्स्ट, एंड ही वॉन द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। एंड वॉट डिड ही विन? ही वॉन नोबल प्राइज। नाउ नोबल प्राइज मीन्स वॉट? डू यू नो स्टूडेंट्स? लेट्स स्टडी अबाउट द नोबल प्राइज इन डिटेल। फॉर
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पिक्चर ऑफ नोबल प्राइज. हियर यू कैन सी द नोबल प्राइज मीन्स मेडल. ओके सो नोबल प्राइज इज एन अवार्ड. नोबल प्राइज क्या है? एक अवार्ड है फॉर आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट. वो आपको क्यों मिलता है? अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धि, हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है आपके अंदर, तो आपको नोबल प्राइज़ मिलेगा. वो भी कब? एन्युअली, साल के अंत में. आगे हम देखते हैं कि कब मिलता है, कौन से डेट को मिलता है. ओके नोबल प्राइज ऑफन कंसिडरेड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड. नोबल प्राइज को मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड भी माना जाता है. प्रेस्टिजियस मीन्स रिस्पेक्ट वाला, सम्मान वाला, रेपुटेशन वाला अवार्ड कहा जाता है उसको. एंड द नोबल प्राइज इज कन्फर्ड अपॉन द टॉप माइंड्स ऑफ सिक्स फील्ड्स. सिक्स फील्ड्स के अंदर अब ये नोबल प्राइज किसको दिया जाता है? जितने भी लोग हैं वो अगर ये सिक्स फील्ड के अंदर क्या है, टॉप माइंड है उनका, मतलब उसके बारे में उनके पास बहुत खतरनाक नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज है, आप उसमें क्या हो, सुपीरियर हो, तो उसके लिए आपको नोबल प्राइज़ मिलता है. अब सिक्स फील्ड कौन से जिसके अंदर आपको टॉप होना है? तो फर्स्ट नंबर का है फिज़िक्स, सेकेंड नंबर का है केमिस्ट्री, थर्ड नंबर का है लिटरेचर, फोर्थ नंबर का है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिफ्थ नंबर का है प्रमोशन ऑफ पीस, और सिक्स नंबर का है इकोनॉमिक साइंसेस. ये छह फील्ड के अंदर आपके पास सुपीरियर नॉलेज है, बेस्ट नॉलेज है, आप इस फील्ड के अंदर टॉप पे हो, टॉप लेवल पे हो, तो आपको कौन सा प्राइज मिलेगा? नोबल प्राइज. ओके एंड हु क्रिएटेड दिस अवार्ड? So these awards were created by Swedish scientist. Sweden में जो रहता है ना उसको Swedish कहते हैं. तो Swedish scientist ने ये award create किए थे, किया था. And philanthropist means एक ऐसा इंसान जो क्या काम करता है, humanitarian work करता है, लोगों के अच्छे के लिए, जो हर एक लोगों को क्या प्यार करता हो, donor हो, हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ देता रहता हो, ऐसे इंसान को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं. और वो कौन था? अल्फ्रेड नोबेल. आप यहाँ मेडल में देख सकते हो कि जिसका फोटो है वो कौन है? अल्फ्रेड नोबेल. तो इस इंसान ने ही ये क्रिएट किया हुआ है अवार्ड, जिसकी वजह से हम उसको नोबेल प्राइज कहते हैं. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम पढ़े, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. अपॉन हिज पासिंग इन 1896 ही बीक्वेथ्ड द मोस्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नोबल प्राइज. अब 1896 में इस इंसान ने, किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी सारी फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स वेल्थ, सारी तो नहीं बट मोस्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून उसने नोबल प्राइज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए बीक्वेथ की थी. अब बीक्वेथ मीन्स लीव बाय विल, विल मीन्स वसीयतनामा जो होता है ना उसको विल कहते हैं. और उसको उसने क्या किया था? ट्रांसमिट टू पोस्टेरिटी. उसके बाद जो भी जनरेशन आएगी ना, पीढ़ी, उसको उसने क्या कर दिया? उसको दान में दे दी. मतलब हमको भी, हमारे पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें क्या मिलेगी? बीक्वेथ्ड मिलेगी. बीक्वेथ मतलब हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हमको ही मिलने वाली है. लेकिन इसने क्या किया? मोस्ट ऑफ जितनी भी उसकी वेल्थ थी, संपत्ति, पैसे, वो नोबल प्राइज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए उसने दान कर दी. वसीयतनामे में लिख दिया कि मेरी मोस्ट ऑफ द वेल्थ मैं नोबल प्राइज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए दे रहा हूँ. कब? जब वो 1896 में पास आउट हो गए ना, तब. ओके नेक्स्ट. अब फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट नोबल प्राइज 19
1901 में दिया गया था, 1901 के साल में पहला नोबल प्राइज दिया गया था। और उसके बाद अब तक टोटल 900 लोगों ने, 900 रिसिपियंट्स रिसीव्ड दिस अवार्ड, 900 से भी ज़्यादा लोगों ने नोबल प्राइज हासिल कर लिया है। और जितने भी प्राइज विनर्स हैं, जितने भी लोगों को ये नोबल प्राइज मिलता है, या तो इंडिविजुअल मिलता है या फिर टीम ग्रुप में, एक या दो लोगों के ग्रुप में ये अवार्ड्स मिलता है। और जितने भी लोगों को ये प्राइज़ मिलता है उसको क्या कहा जाता है, नोबल लॉरिएट्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, नोबल लॉरिएट्स। ओके, अब ये जो लॉरिएट्स है, मतलब जिसको प्राइज मिलने वाला है उसको सिलेक्ट कौन करता है, चलिए देखते हैं। तो लॉरिएट्स आर नॉमिनेटेड बाय देयर पीयर्स एंड देन सीक्रेटली चूजन बाय नोबल कमिटीज। तो जो कमेटी बनाई होती है नोबल कमिटीज, वो लोग जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं, 10 या 15 लोगों का नॉमिनेशंस होता है, उसमें से सबसे फर्स्ट किसको दिया जाएगा वो क्या करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, छानबीन करते हैं कि इन 15 लोगों में से किसको दिया जाए, तब जाके लॉरिएट्स चूज करते हैं वो लोग, और फिर उस इंसान को क्या मिलता है, नोबल प्राइज। ओके, एंड ये नोबल प्राइज जिसको मिलने वाला है वो कब वो रिसीव करता है, विनर्स रिसीव देयर प्राइजेस एट एन अवार्ड सेरेमनी ऑन डिसम्बर 10th, एंड 10th डिसम्बर इज द एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल्स डेथ। इस डेट को अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई थी, तो इसी दिन को, साल के आखिर में ही होता है दिसंबर, तो इसी दिन जिसको नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसका नाम सिलेक्ट किया गया है, उसको इसी दिन नोबल प्राइज़ दिया जाता है। कौन सी डेट को स्टूडेंट्स, 10th दिसंबर को। क्यों इसी डेट को, क्योंकि इसी दिन इनकी क्या हो गई थी, अल्फ्रेड नोबल की डेथ, आप फोटो में देख सकते हो। ओके, और जितने भी ये नोबेल प्राइजेज है, नोबेल पीस प्राइजेज है, वो कहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम आप लोग सोचे थे स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन का कैपिटल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये किसने क्रिएट किया है, स्वीडिश के रहने वाले जो है अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश के, उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है। और स्टॉकहोम क्या है, स्वीडन का कैपिटल, और वहाँ पे स्वीडन के जो किंग है, राजा, उनके थ्रू आपको ये प्राइज प्रेजेंट किया जाता है। ओके, और दूसरी एक चीज बता रहा हूँ, नोबल पीस प्राइज जो है वो ओस्लो में भी दिया जाता है। अब ओस्लो क्या है, नॉर्वे का कैपिटल, वहाँ पे पूरी कमेटी बैठी हुई होती है, और वहाँ पे भी नॉर्वे के राजा ये पीस प्राइज देते हैं। और ये नोबेल के साथ और दो चीज़ें आपको दी जाती हैं, इच नोबेल प्राइज इंक्लूड्स अ सम ऑफ मनी, अ डिप्लोमा, कैरेट गोल्ड मेडल दैट बियर्स द फेस ऑफ द प्राइजेस नेमसेक एंड फाउंडर। तो जब आप लेने के लिए जाते हो, जब आपको प्रेजेंट किया जाता है नोबेल प्राइज, तब आपको जो डिसाइड की गई है मनी, जो अमाउंट डिसाइड की गई है वो आपको मिलती है। दूसरा आपको डिप्लोमा मिलता है, डिप्लोमा मीन्स डॉक्यूमेंट कन्फरिंग ऑनर, मीन्स सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसके साथ, और एक गोल्ड मेडल मिलता है। और गोल्ड मेडल के ऊपर जिसने ये फाउंड किया है, जिसने ये क्रिएट किया है, उसका फोटो और उसका नाम होता है। ओके, सो आई होप हियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि भाई नोबल प्राइज मीन्स व्हाट। ओके, नाउ लिटरेचर के बारे में समझते हैं कि लिटरेचर मीन्स व्हाट, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको नोबल प्राइज मिला था, किस में, लिटरेचर में, कब, इन 1913। ओके, सो लिटरेचर मीन्स व्हाट, ही वॉन द नोबल प्राइज इन लिटरेचर 1930। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1930 में नोबल प्राइज मिला था,
किसके लिए? लिटरेचर के लिए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लिटरेचर. व्हाट इज लिटरेचर? तो लिटरेचर एक रिटन वर्क्स है. रिटन वर्क्स स्पेशली दोज कंसिडर्ड ऑफ सुपीरियर और लास्टिंग आर्टिस्टिक मेरिट. आपका एक रिटन वर्क्स जो आपने खुद ने लिखा है वो कैसा माना जाएगा? सुपीरियर. आज तक ऐसी चीज़ किसी ने लिखी नहीं है और वो क्या है? सुपीरियर, बेस्ट आर्टिस्टिक वे में. उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? लिटरेचर. ओके, दूसरी डेफिनेशन अगर हम दे तो बुक्स एंड राइटिंग्स पब्लिश्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कोई बुक और कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखते हो, पब्लिश करते हो, उसको लिटरेचर कहते हैं. ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. दैट सी इज स्टडिंग फॉर एन एमए इन फ्रेंच लिटरेचर. तो वो जो है वो फ्रेंच लिटरेचर में पढ़ाई कर रही है. कहाँ पे? एमए में. एमए मींस मास्टर ऑफ आर्ट्स. ओके, कॉलेज में बीए होता है, एमए होता है. बीए मींस बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए मींस मास्टर ऑफ आर्ट्स. बीए अगर आप करते हो तो आपका लिटरेचर सब्जेक्ट आएगा. लिटरेचर में आपको बहुत सारी नॉवेल्स पढ़नी पड़ेगी और बहुत सारे ऑथर्स भी हैं वहाँ पे, नॉवेलिस्ट है, उन सब ने बहुत सारा लिटरेचर लिखा हुआ है इंग्लिश पे. तो लिटरेचर मींस एक रिटन डॉक्यूमेंट जो एक कैसा हो? सुपीरियर हो. ओके, सो आई होप आपको नोबेल प्राइज एंड लिटरेचर का मीनिंग पता चल गया होगा. ओके, नेक्स्ट. टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज ओनली 8 years old. सो व्हेन डिड टैगोर स्टार्ट टू राइट पोएट्री? व्हेन ही वाज ओनली 8 years. जब वो 8 साल की थी ना, तब से उन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया है. एंड He published his first poem when he was only 16. First poem उनकी कब published हुई थी? जब वो सिर्फ 16 साल के थे. So here we can say that Rabindranath Tagore was a born poet. जन्म से ही वो क्या थे? Poet थे. Why? Because he started to write poetry at the age of 8 and published his first poems when he was only 16. That is why we can say that Rabindranath Tagore was a born poet. Okay, next. For this Tagore did not use his real name. अब ये जो poem published हुई first, उसके लिए Tagore ने अपना real name use नहीं किया था. So instead of that, which name he used? So he used a pen name. Which name? Pen name. Now pen name means what? So pen name is a name used by writer instead of his real name. कोई भी writer है वो pen name का use करता है. किसकी जगह पे? अपने real name की जगह पे. उसको हम क्या कहेंगे? Pen name. So here he used a pen name for his first poetry instead of his real name. And which was that name? Bhanu Simha, mean sun lion. Bhanu means sun and Simha means lion. Okay, so Tagore ne apni first poem ke liye apna real name use nahi kiya tha. Uski jagah pe unhone kaun sa naam use kiya tha? Bhanu Simha means sun lion. Okay, so students, here we have completed activity 1. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को मैं जितने भी नए वीडियोस बनाने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. और बेल आइकन भी प्रेस करना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. ओके, थैंक यू वेरी मच.